ऑब्जेक्ट बना दिया है, फर्ज कर लें ये वाला ऑब्जेक्ट है, नज़र आ रहा है ना, ये एक डेटा है, इसका नाम क्या है, ये इसके अंदर एक काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसको मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करूँ और मैं इसको जेसॉन की फाइल में पेस्ट करूँ तो क्या ये काम करेगा? ना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये देखें, ये डबल कोट्स में बंद नहीं है, ये नेम डबल कोट्स में बंद नहीं है, ये प्राइस डबल कोट्स में बंद नहीं है, ये इज़ अवेलेबल डबल कोट्स में बंद नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि इन सबको बस डबल कोट्स के बंद के फिक्स हुआ। दूसरा शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ आ जाएँ गूगल में और गूगल से कहेंगे मेरे लिए कन्वर्ट कर दें, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, सही है? यानी यहाँ लिख दें फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू जेसॉन ऑनलाइन, सही है? तो ये एक कन्वर्टर है, सिंपल कन्वर्ट सिंपल डॉट कॉम पे पहले ही लिंक पे क्लिक कर लें, यहाँ आप अपना ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दें इस तरह से और ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा डबल कोट्स के अंदर। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, इसने सारा ये डबल कोट्स में बंद कर दिया है। मैंने कहा कडेर हट ऑब्जेक्ट ही होता सिर्फ पकड़ नको लगवाड़े नो बस ऑनलाइन ही कन्वर्ट गई। अब अगर इसको मैं कॉपी करूँ ना इसको और इसको मैं इसकी जगह इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर आप नोड्स के अंदर डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं भी करना चाह रहे, यानी नॉर्मली भी करना चाह रहे हैं, अब ये किसी एक्सटर्नल फाइल में नहीं है लेकिन मैं स्टिल इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें डबल कोट्स अभी भी है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप जेसॉन के फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसको मैं एक्सटर्नल किसी फाइल में स्टोर करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे करूँगा? आप यहाँ आ जाएँ और इधर कहीं इसी प्लेग्राउंड में क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल इसको मैं products.json का नाम दे देता हूँ और इसको पेस्ट कर दें, इसको सेव कर दें, तो दिस इज़ अ वैलिड जेसॉन ऑब्जेक्ट। अब ये बिल्कुल वैलिड फाइल है कि जिसको हम रिट्रीव करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जेसॉन फाइल्स की मैनिपुलेशन नहीं बता रहा क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी सी इजेक्ट्स यूज़ करनी पड़ेगी, सही है? तो उसको फिर बाद में देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आज इस क्लास से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स समझ आ गए हैं तो आपको जेसॉन ऑटोमेटिकली समझ आ गया, समझ आई है? कहने का मतलब ये है, यानी जेसॉन वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हाँ सिर्फ डबल कोट्स का, बाकी चीज़ वही है। तो ये न्यूज़ वाला ऑब्जेक्ट था और ये जो है ये बुक्स वाला ऑब्जेक्ट था। इस बुक्स वाले ऑब्जेक्ट को भी हम इंशाल्लाह कल इससे ये सारी जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं ये रिट्रीव करेंगे और इनको मैं आपको वेब पेज पे इसके मैनिपुलेशन का तरीका बताऊंगा जब हम एजेक्स पढ़ेंगे कि इसको हम वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। यानी मैं इन सारे प्रोडक्ट्स और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन को वेबसाइट के किसी टेबल में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, सही है? तो वो इंशाल्लाह हम एजेक्स के थ्रू करेंगे, तो कल होपफुली हम विल बी एबल टू, अच्छा कल होपफुली हम सिर्फ इन ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ही पे काम करेंगे, उसके बाद से फिर इंशाल्लाह हम, ताकि आप इसके साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाना। जिस तरह से अभी मैंने एक एग्जांपल लिखी है इसमें आपको क्या गलत लग रहा है इस वाले एग्जांपल में, बल्कि ये नहीं ये वाला, इसमें क्या ये क्या है, इसको कैसे आप वो करेंगे? हाँ मतलब डर देगा ना चिद्दा डायरेक्ट ने मैनिपुलेट की बदे माने गलत ही यानी फंक्शंस लगे देशी बदमा सॉरी बदमा दिलूप लगे देशी डेटा माने बोले क्यों क्यों नहीं लग सकता इस पे लूप, वो एरे ही नहीं है तो कैसे लूप लगेगा? तो हम डेटा डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप लगाएंगे और इसको फिर यानी मैनिपुलेट करेंगे, सही है ना? तो कल इंशाल्लाह होपफुली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं इसके बाद से हमारी सारी एम्फेसिस जावास्क्रिप्ट की जितनी भी है वो ऑब्जेक्ट्स पे रहेगी। देना बाप वादे खान जू, सो टुडेज़ क्लास वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है। कल हम इंशाल्लाह इसकी इसी मैनिपुलेशन को आगे ले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे ताकि आप ये निगुरा कहता सुनो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन न दर्जी पर जावास्क्रिप्ट की करना तो ब्याह जमा दे क्लास इस फायदा में निश्ता, समझ आई है? तो आपने इसको बिल्कुल सीरियस समझ के मतलब करना है। आपको अगर आगे जावास्क्रिप्ट में अपना करियर बिल्ड करना है तो बिलीव इट और नॉट 80% टाइम्स हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, सही है? तो इस वजह से इसको भूलना नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर इसको आगे लेके जाएंगे।